ये आपने सबसे पहले बिल्कुल नहीं सोचना कि आप कोई बहुत ही ऐसे पेरेंट हैं जिनके घर ऐसा बच्चा आ गया, ऐसा नहीं है। हर किसी घर में कोई ना कोई बच्चा ऐसा प्रॉब्लमैटिक है। बीइंग अ मदर, बीइंग अ चाइल्ड एक्सपर्ट, मोटिवेशन आपके अंदर है, वो आपका बच्चा है, उसको सेव करना दुनिया से, फैमिली से आपका काम है। जो बच्चा आईक्यू में कम है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, मतलब बाकी बच्चे जहाँ 3 साल में टॉयलेट ट्रेन हो जाएंगे वो शायद 5 साल में हो जाएंगे, लेकिन देखने में ये भी आया कि आईक्यू कम है लेकिन फिर भी बच्चा 3 साल में टॉयलेट ट्रेन है, इंडिपेंडेंटली अपना खाना भी पकड़ के खा लेता, सिर्फ बात करने में मुश्किल है, सिर्फ गुस्सा ज़्यादा करता है क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो ये वो छोटी छोटी गाइडलाइन थी जो आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी थी। और अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बीइंग अ मदर, बीइंग अ चाइल्ड एक्सपर्ट, मोटिवेशन आपके अंदर है, वो आपका बच्चा है, उसको सेव करना दुनिया से, फैमिली से आपका काम है। हम थेरेपिस्ट जितनी मर्जी चीज़ें आपको समझा दें, जितनी मर्जी थेरेपीज आपको दे दें, जब तक आप विलिंग नहीं हो तब तक बच्चा कुछ नहीं कर सकता। जैसे आप मेरे पास एक बच्चा लेके आओ, मैं पिछले 6 साल से बच्चों के अंदर खेल रही हूँ, मैंने जैसे आपको बताया कि 20 कैंपसेस के बच्चे सोचने कितने होंगे जो मेरे अंडर हैं, ठीक है, पर आपका बच्चा मुझे रिस्पॉन्ड क्यों करेगा? चाहे मुझे जितनी भी टेक्निक्स आती हैं, वो आपको रिस्पॉन्स देगा क्योंकि आप माँ हैं, आप बाप हैं। मैं एज ए एक्सपर्ट आपकी हेल्प जरूर करूंगी, लेकिन आपका बच्चा मुझे तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक मुझ में उसको ये वाली ममता नजर नहीं आएगी, जब तक मैं उसको उसकी माँ से एसोसिएट होती हुई नजर नहीं आऊंगी या बाप से एसोसिएट होती हुई नजर नहीं आऊंगी। तो इसलिए जो फ्रंट लाइन पे मैं काम करती हूँ, मैं पेरेंट्स के ऊपर काम करती हूँ, मैं पेरेंटिंग में आपको वो तमाम स्ट्रैटेजी सिखा देती हूँ, उससे मेरे बच्चे के 90% इशूज उधर ही रिजॉल्व हो जाते हैं, एंड बिलीव मी मेरा बच्चा ऑर्गेनाइज हो जाता है। तो सबसे पहले बच्चों को लेके हाई एक्सपेक्टेशन छोड़ दें कि हमारा बच्चा ये बन जाए वो बन जाए, वो अगर पैदा हुआ है अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद रखा है, वरना वो ना देता आपको, आप लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते थे ना। कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर बच्चे पैदा नहीं होते हैं तो वो क्या कर लेते हैं, लेकिन अगर ये बच्चे दुनिया में आए तो इसका कोई रीज़न है। तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स में ये देखती हूँ कि वो खुद गिल्ट में चले जाते हैं कि हमारा कोई गुनाह था इसकी वजह से ऐसे हो गए। देखिए, अगर कोई गुनाह था भी, वो भी अल्लाह जानता है, आपका मेन फोकस बच्चा होना चाहिए कि अब जो भी है ये है, मुझे इसको देखना। आप यकीन करिए, अभी मेरे पास ना घोटकी से शायद एक पेरेंट आए हैं और उनका वो 11 साल का बच्चा है और फादर ने मुझे इतनी लंबी कंप्लेंट्स कर दी कि जी ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, स्कूल वालों ने निकाल दिया 3 साल की उम्र में, डिसिप्लिन इशू ये वो, और वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो सिर्फ यूँ खड़ा होकर यूँ हाथ बास मिलाता रहता था। और मैंने उसको एक दफ़ा कहा, ताहिर नो, वो आराम से सीधा खड़ा हो गया। अब मैंने फिर फादर को दिखाया, मैंने कहा ये देखिए, वो तो मेरी एक आवाज़ सुने पर, अभी वो सिंधी स्पीकिंग था, उसे उर्दू समझ नहीं आती थी, इंग्लिश भी समझ नहीं आती थी, वो मेरी एक्सप्रेशन समझ गया। अब मुझे बताएं मैं उसको कैसे कह दूं कि इसका आईक्यू डेफिसिट है? अब क्या है, वो जिस बैकग्राउंड से आया उसका वहाँ पे एक्सपोजर ही नहीं है, जब वो वहाँ पे पढ़ा लिखा ही नहीं, उसने वो मैनरिज्म सीखा ही नहीं, फादर घर में होते ही नहीं थे, मदर जो है आपको पता है कि वो गुस्से में आ जाती हैं, वो फर्स्ट्रेटेड रहा, तो जो उसने सीखा वो तो वही कर रहा है ना। जबकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि उसको एक आवाज़ दी जबकि मैं पहली दफ़ा मिली हूँ, उसने मेरा नाम भी याद रखा, उसने फ़ौरन उस पर रिस्पॉन्ड भी दिया। तो अब आप ये देखिए कि वो बच्चा आईक्यू में कितना अच्छा है, सिर्फ डील गलत तरीके से हो। और अभी 10 साल की उम्र में वो मेरे पास आया, 3 साल की उम्र से वो साइकेट्री मेडिकेशन यूज़ कर रहा है, दवाइयाँ खा रहा है, वो ये हाइपर बहुत है, इसको गलत इंजेक्शन लग गया था, इसको ये हो गया था। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? कुछ पता ही नहीं, बस वो हमें उधर हकीम साहब ने कह दिया था, तो चलो। अब वो जो उस बच्चे का ब्रेन डेवलप वहाँ पे रुक गया, उसके बावजूद वो प्रॉपर कपड़ों में आया हुआ था, नहाता धोता वो खुद ही था, खाता पीता भी वो खुद ही था, हर चीज़ का उसे ख्याल था, अपना बिस्तर भी बनाता था, कहाँ कमी है, पढ़ता नहीं है बस, तो कोई तो रीज़न है ना कि पढ़ नहीं रहा। और सिर्फ ये था कि टाइम पे समझ ही नहीं उनको आ पाई क्योंकि उनका एरिया ही ऐसा था, रिमोट एरिया था। और ये सिर्फ मैं घोटकी की बात नहीं करी, ज़रा मेरे अंदर पनू आकिल है, हैदराबाद है, छोर है, बदीन है, ये सारे स्कूल्स मेरे अंदर। और मुझे पता है कि आर्मी का सेटअप में रहते हुए मुझे कैसे कैसे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। तो ये आपने सबसे पहले बिल्कुल नहीं सोचना कि आप कोई बहुत ही ऐसे पेरेंट हैं जिनके घर ऐसा बच्चा आ गया, ऐसा नहीं है। हर किसी घर में कोई ना कोई बच्चा ऐसा प्रॉब्लमैटिक है। जिन बच्चों को हम टाइमली असेस कर लेते हैं वो बेस्ट फैब्रिक प्रिंट वो करते हैं, टेलर वो अच्छे बन जाते हैं, मैकेनिक वो अच्छे बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी, एसी रिपेयर स्किल्स हैं ये, आप इनकी स्किल्स के ऊपर आएं, लेकिन बच्चे को रिजेक्शन नहीं दें। आप यकीन करें, जब आप लोगों का या पेरेंट का एक नागवार एक्सप्रेशन वो बच्चा देख लेता है ना,
वो 90% वहीं डिक्लाइन पर चला जाता है कि अब मैं कुछ नहीं करूँगा। और जहाँ मुझे पेरेंट्स बहुत मोटिवेटिंग, बहुत लविंग, बहुत एक्सेप्टिंग एक्सेप्टेंस वाले मिलते हैं, वहाँ बच्चे यूं फ्लाइट करते हैं। मेरे पास अभी 9.5 साल का एक बच्चा आया, वो डाउन सिंड्रोम था और वो उसकी जबान बहुत मोटी थी तो वो बात नहीं करता था, और मैंने उसका बिल्कुल ना फोनिक्स के ऊपर मैंने उसका एज ए स्पीच थेरेपी उसका प्लान बनाया, जबकि मुझे पता था कि 5 साल तक वो बात नहीं कर रहा, 9.5 साल का हो गया वो बात नहीं करेगा, ये बात एज ए चाइल्ड एक्सपर्ट मुझे पता थी, बट मैंने उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की। आप यकीन करें 3 महीने में उसने क्या जुमला बोला, रिदा पानी ला दो, मतलब मैं अभी उसके फोनिक्स निकाल रही हूँ पूरे जुमले पे आ गया। ये मिरेकल बच्चे हैं और मैं शॉक में आ गई कि ये बच्चा, मतलब इसने मेरी एक्सपर्टीज को भी पीछे छोड़ दिया। और वो दिन था जब मैंने इन बच्चों को ना कमतर नहीं समझा, ये बच्चे मिरेकल है, ये किसी भी वक्त आपको अमेज कर देंगे, सिर्फ ये कि आपके अंदर डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। और ये वो बच्चा है जिसके पैदा होने पे इसके बाप ने इसे रिजेक्ट कर दिया था इसके डाउन सिंड्रोम होने पे और मदर को डिवोर्स दे दी थी, और अब मदर सिंगल पेरेंट उस बच्चे को पाल रही है। तो मेरे पास ऐसी इतनी स्टोरीज हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन जहां माएं गिव अप नहीं करती वहां पे बच्चे बहुत कुछ कर जाते हैं, और वो अमेजिंगली, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि वो बाकी बच्चों से भी बहुत आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी माँ की सपोर्ट होती है, सिर्फ अपनी माँ की वो एक्सेप्टेंस, वो प्यार, बाप का वो प्राइड देखने के लिए, जो एक फखर होता है ना, वो देखने के लिए कहां से कहां चले जाते हैं। तो ये वो तमाम अवेयरनेस की चीजें थी जो मुझे लगता था कि बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ चाइल्ड एक्सपर्ट आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है।